हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पांच बेसिक गिग्स के बारे में जो अगर आप बिगनर हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में तो आप आराम से ये पांच गिग्स को पोस्ट कर सकते हैं, आप इन पांच गिग को पब्लिश कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं इन गिग्स के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनसे मनी बना सकते हैं, क्या है ये गिग, इनमें अभी कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, कितने लेवल वन सेलर है, कितने लेवल टू सेलर है, ऐसे और भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप अगर बिगनर है तो मैं ये मान के चलती हूँ जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं सच एज एलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, अगर आपको कैनवा भी आता है इसके साथ तो एडिशनल पॉइंट है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एलस्ट्रेटर और फोटोशॉप अगर आपको आता है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आपको ये गिग्स बहुत काम में आएंगी, आप इन गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन है और एक स्क्रीन पे आप मेरा पहला जो गिग देख रहे हैं वो है इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड मतलब क्या होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडे कार्ड हो गया आपका, वेडिंग कार्ड हो गया, वही हमारे इनविटेशन कार्ड्स होते हैं। अब इस इनविटेशन कार्ड में आपको सर्विसेज भी बहुत कम दिख रही होंगी और ये इन्विटेशन कार्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि न्यू सेलर्स भी इसमें रैंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हैं आई विल डिजाइन बर्थडे वेडिंग इन्विटेशन कार्ड एंड पार्टी पोस्टर डिजाइन। ये पोस्टर डिजाइन भी कर रहे हैं, वेडिंग कार्ड और बर्थडे कार्ड भी डिजाइन कर रहे हैं। इधर पे भी आप देख सकते हैं, इधर ये भी बर्थडे वेडिंग कार्ड, क्रिसमस, बेबी शावर, ऐसे अलग अलग इनविटेशन कार्ड्स बना के दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी जो कैटेगरी और छोटी कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक बड़ी कैटेगरी ली इनविटेशन कार्ड, ऑल दो इन्विटेशन कार्ड पे अभी सर्विसेज बहुत कम है, 4000 सर्विसेज है, एंड इधर पे आप देखेंगे तो ऑर्डर्स भी काफी मिल रहे हैं, न्यू सेलर्स को भी ऑर्डर मिल रहे हैं और पुराने सेलर्स को भी इधर पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लाइक इधर पे आप देख सकते हैं उन्होंने अभी बर्थडे कार्ड, वेडिंग कार्ड से रिलेटेड दो ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, प्राइसिंग भी उन्होंने काफी ज्यादा हाई रखी है। और अगर आप चाहें तो आप इसके लिए और भी इस कैटेगरी को छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्विटेशन कार्ड लिखा है, इधर पे आप लिख सकते हैं अकेला वेडिंग, मतलब सिर्फ आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स बना के देंगे। ऑल दो इधर पे आप देखेंगे तो सर्विसेज काफी ज्यादा हाई है और इधर पे लोग यूनिक कस्टमाइज अकॉर्डिंग जैसा चाहिए रहता है वैसा बना के देते हैं। तो अगर आप वेडिंग कार्ड में कंफर्टेबल नहीं है तो आप दूसरा क्या बना सकते हैं, आप बेबी शॉवर का भी देख सकते हैं। बेबी शॉवर जैसे मैंने लिख दिया, मैंने जैसे बेबी शॉवर इनविटेशन लिखा है तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर पे और भी वैसे ही सिमिलर बेबी शॉवर इनविटेशंस आ गए हैं, इधर पे भी सर्विसेज कम है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है, आपको कोई एक प्रॉपर कैटेगरी पकड़ लेनी है, वेडिंग कार्ड की पकड़नी है, बेबी शॉवर की पकड़नी है, किसकी पकड़नी है, अभी आप पे डिपेंड करता है। आपको सर्च करना है इसके सब कैटेगरी के अंदर, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप सर्च करें इसके लिए कि इसमें कितना अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है बेबी शॉवर में, इन सब चीजों में। मैंने सर्विसेज आपको बता दी, न्यू सेलर्स भी रैंक कर रहे हैं। अब आपको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, अब आपको चूज करना है कि आपको एक प्रॉपर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना है, तो बड़ी कैटेगरी में ही आपको रहना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये रिसर्च करना आपका काम है, आपको डिसाइड करना ही है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। सेकंड है हमारा रेज्यूम डिजाइन। आप रेज्यूम डिजाइन कर सकते हैं। अब रेज्यूम डिजाइन करने के लिए मैं एक चीज बता देती हूं, आप आराम से कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा पे आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लोग कैनवा ही यूज करते हैं। आप कैनवा पे ऐसे रेज्यूम डिजाइन कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कैनवा नहीं आता है तो आप रेज्यूम फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इधर पे उन्होंने लिखा है आई विल डिजाइन योर यूनिक सीवी यूजिंग फोटोशॉप। ये सीवी डिजाइन कर रही है आपको फोटोशॉप को यूज करके। ऐसे आप सीवी रेज्यूम डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप को यूज करके या कैनवा को यूज करके। मैं कैनवा इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि उधर पे आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं तो आप उधर पे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं उन टेम्पलेट्स को आप यूज करके। और इधर पे आप देख सकते हैं 6000 सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब कंपटीशन अभी कम है, इतनी ज्यादा सर्विसेज नहीं है इसमें। तो आप रेज्यूम डिजाइन भी कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर हैं तो। फिर नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट ला के देगी, आपको उस प्रोडक्ट को रिटचिंग करनी पड़ेगी। मे बी हो सकता है आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़े, मे बी हो सकता है कि आपको किसी और बैकग्राउंड पे उस प्रोडक्ट को रखना पड़े, उस पर रिटचिंग करनी पड़े, उसको रिफाइन करना पड़े, तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। इधर पे आप गिग देख सकते हैं, इधर पे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाली गिग आपको उठा के दिखा देती हूँ। तो उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड पे रखा है, अलग अलग बैकग्राउंड पे इनकी लाइटिंग वगैरह भी अलग अलग दिख रही है। जैसे इन्होंने ये है तो इसकी रिटचिंग वगैरह भी करी हुई है, तो इन्होंने हर चीज की एक अलग रिटचिंग और अलग बैकग्राउंड में रख के दिखाया है। तो ऐसे प्रोडक्ट की आप इमेज को एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। आप ये कर सकते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करना, अगर अमेज़न पे रखना है तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट पे अगर वो जानी होगी तो अलग अलग तरीके से हमें उसका बैकग्राउंड को डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर उनकी वेबसाइट पे जाना होगा तो उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको थीम डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग में आता है। इसकी सर्विसेज और तो थोड़ी हाई है, आप इसमें प्रॉपर कीवर्ड के साथ अगर करेंगे तो आपकी गिग रैंक करेगी और इसमें आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारी इमेज रीड।
रीटचिंग। अब उसमें हम प्रोडक्ट की रीटचिंग कर रहे थे, इसमें हम इमेज की रीटचिंग करेंगे, मतलब कोई भी एक इमेज रहेगी उसके हम रीटचिंग कर देंगे। मे बी किसी ह्यूमन की रीटचिंग कर सकते हैं हम, या किसी कंपनी का कोई फोटोशूट हुआ है उनके प्रोडक्ट का, तो वो इतने अच्छे से नहीं आया, उनका फोटोशूट इतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो आपको उसको रीटच करना पड़ेगा। तो आपको इधर पे क्या कर रहे हैं, आप इमेज की रीटचिंग कर रहे हैं, जो भी इमेज है उनकी रीटचिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ये वाली जो गिग बनाई हुई है, आप इसमें आप देख सकते हैं इनकी इमेज की, देख सकते हैं इसकी कुछ बिफोर में ऐसी लग रही थी और आफ्टर में उन्होंने लाइटिंग वगैरह देके, रीटचिंग देके इन्होंने कुछ ऐसी कर दी। इधर पे भी आप देख सकते हैं, इधर पे जो उनको एक्ने वगैरह दिख रहे थे, जो थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिख रहे थे, वो इन्होंने सब रीटच कर दिए। इधर पे थोड़े थोड़े स्पॉट्स दिख रहे थे, वो भी इन्होंने रीटच कर दिए हैं। तो ऐसे आपको इमेज की रीटचिंग करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि किसी का कंपनी का फोटोशूट हुआ हो, तो उनकी फोटोशूट इतने अच्छे से नहीं हुआ हो, रिफाइन तरीके से नहीं आया हो, तो उनके फोटोशूट की भी आपको इमेज की रीटचिंग करनी पड़ेगी। इधर पे आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट की फोटोशूट हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो इनका 100 जो प्रॉपर प्राइस दिख रहा था, या जो भी 100 लिखा था, वो इतने अच्छे से नहीं दिखा था, तो इन्होंने रीटचिंग कर दी उस चीज की। ऐसे कभी कभार फोटोशूट होता है किसी कंपनी का, तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो हमें रीटचिंग के लिए देते, जिससे वो इमेज अच्छे लगे, वो प्रोडक्ट और भी ज्यादा रिफाइन तरीके से ज्यादा अच्छा लगे। तो आपको इधर पे इमेज की रीटचिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये गिग आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फोटोशॉप में इनको एडिट कर सकते हैं, फोटोशॉप में आप इनकी रीटचिंग कर सकते हैं एंड अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। फिर हमारा यूट्यूब थंबनेल। अब यूट्यूब थंबनेल को आप जाके सर्विस को चेक करेंगे, तो यूट्यूब थंबनेल पे भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब आपको प्रॉपर कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा। प्रॉपर कीवर्ड के साथ मैं बता देती हूँ, आप एक कोई कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब थंबनेल का मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था, मैंने उसमें कैटेगरी डिसाइड की थी ब्लॉग यूट्यूब थंबनेल, या मैंने ट्रैवलिंग यूट्यूब थंबनेल का डिसाइड किया था, और वो ही मुझे फर्स्ट अपना क्लाइंट मिला था मुझे उसी गिग से, क्योंकि मैंने यूट्यूब थंबनेल को और भी छोटी कैटेगरी में अपने आप को डिवाइड कर लिया था, और भी नैरो डाउन कर लिया था, जिससे कम कॉम्पिटिशन हो, और उसमें मैंने सर्च किया था, तो मुझे अच्छे खासे ऑर्डर्स भी दिख रहे थे। जब आप यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, तो आपकी गिग को रैंक करना बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसमें मैंने नैरो डाउन करके आपको बता दिया कि आप ब्लॉग यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, मतलब आप सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर ही आप थंबनेल बनाएंगे। अब इधर पे आप सर्विसेज ऑल दो देख सकते हैं, 9000 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली गुड, 9000 है, जो ज्यादा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि गिग्स 60,000 मोर देन 1 लाख भी कभी कभार गिग्स जाती है, 9000 बहुत मिनिमल है, बहुत कम ही मैं मानूंगी। अब इसमें जो भी आपको थंबनेल देखेंगे वो ब्लॉग या ट्रैवलिंग थंबनेल देखेंगे। इधर पे सबने अपने ट्रैवलिंग थंबनेल वगैरह बना के दिए, तो हमने क्या किया, अपनी कैटेगरी को, अपनी नीच को और नैरो डाउन कर लिया, जिससे हमें क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो, हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। अब ऐसे आपको चेक करना है कि अब जैसे मैंने ब्लॉग थंबनेल लिखा है, मैंने जैसे ब्लॉग यूट्यूब थंबनेल लिखा है, तो आपको ऐसे फाइंड करना पड़ेगा किस कैटेगरी में सर्विसेज कम है, और किस कैटेगरी में न्यू सेलर्स रैंक कर रहे हैं, और किस कैटेगरी में न्यू सेलर रैंक कर रहे हैं और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है, वो कैटेगरी, वो नीच आपको डिसाइड करनी है, वो आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया कि आप ब्लॉग यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं, ट्रैवलिंग थंबनेल बना सकते हैं, गेमिंग थंबनेल बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग थंबनेल आप बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट हमारी गिग है, वो है हमारी कैनवा। कैनवा इधर पे आप लिख सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं अपनी गिग, आई विल डिजाइन एनीथिंग इन कैनवा, या तो आप कोई भी चीज को नैरो डाउन कर सकते हैं, लाइक आप पोस्टर बना के दिखा सकते हैं कैनवा में, अगर आपको कैनवा चलाना आता है। अब कैनवा बहुत इजी है, तो आप आराम से कोई भी चीज उधर पे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप सारी चीजें डिजाइन नहीं कर सकते हैं कैनवा में, किसी एक कैटेगरी के ऊपर आप अपने आप को नैरो डाउन कर सकते हैं और उसके ऊपर आप गिग बना सकते हैं। लाइक इधर पे आप सर्विसेज देख सकते हैं, 13,000 सर्विसेज हैं, ज्यादा सर्विसेज भी नहीं है इस पे, और इधर पे लोगों को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अगर आपको प्लानर बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं, अगर आपको सोशल मीडिया के पोस्टर्स वगैरह बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी 5 गिग्स थी जो आप एज अ बिगनर डाल सकते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।